दोस्तों हमारी जो पार्टिसिपेंट है प्रेरणा काफी इमोशनल है और नर्वस भी है और हो भी क्यों ना वो अपने शहर को छोड़कर आई है अपनों को छोड़कर आई है अपना ख्वाब पूरा करने के लिए अपना जलवा बिखेरने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स काफी वरिड दिख रहे हैं और हो भी क्यों ना एक तरफ दिव्या कहती है कि प्रेरणा ओवरवेट है पर कॉन्फिडेंट भी है और दूसरी तरफ दर्शन कंफ्यूज्ड है पर मुझे लगता है एवरीबॉडी हैज अ राइट टू लुक ब्यूटीफुल टू बी फेमस लेट्स सी एक्सपर्ट्स कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रेरणा को प्रेरणा हैज डन लॉट ऑफ रियलिटी शोज शी इज अ गुड डांसर तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ काम करने में मजा भी आएगा बिकॉज़ शी इज वेरी फ्लेक्सिबल प्रेरणा के जो पोजेस है या जो एक्सप्रेशंस है ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है शी इज लिटिल बिट ओवरवेट तो उसके लिए कोई भी लुक हम डिसाइड करने से पहले 100 बार सोच रहे थे कि वो कितना जस्टिस कर पाएगी शी इज नॉट लुक वल्गर इन इट आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि ये फोटोशूट काफी अच्छी तरह से हो जाए और वो उसे जस्टिस कर पाए उसके साथ इंप्रेसिव क्वाइट इंप्रेसिव This girl has proven me wrong. And experts have to really fallen for her. But Prerna kaafi excited hai. But thodi si nervous bhi hai. Aur kyun na ho? Kyunki uske final photographs hi decide karenge uski unchi udaan, uska future. ये मेरा फर्स्ट लुक है जिसमें मुझे बहुत सेक्सी सा लुक दिया है इन्होंने मैं मुझे हॉट पैंट पहनाया है तो मुझे पता नहीं है कि ये मैं लगूंगी कैसे क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कुछ पहना नहीं है लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे ऐसे ड्रेसेस अलाउ नहीं है वहाँ पे लोग पहनते नहीं हैं देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे बट मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ कि पता नहीं ये मेरे पे कैसा लगेगा कैसी मैं दिखूँगी क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम वेयर मतलब पहनने जा रही हूँ इस तरह के ड्रेसेस तो मैं बता नहीं सकती मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मुझे इसमें वाइट वाइट सा दिखना था तो मैंने किया और दर्शन ने बोला कि आपने बहुत अच्छा किया आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने इतने अच्छे से किया डोंट गो आउट ऑफ द लाइन ओके या जितना आप कर सकते हो लुक एट मी देख सकते हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत टाइम लगा इसमें मतलब स्ट्रेचिंग कराया इन्होंने और पता नहीं क्या क्या कराया बट मज़ा बहुत आया और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे फोटोग्राफ्स कैसे आएंगे थोड़ा This is really nice. Very good. Cool. Go change. अच्छे से कैप्चर हुआ है एंड द गुड थिंग अबाउट यू इज आपके पोजेस बहुत अच्छे आए और आपको पता है कि किस टाइम पे क्या एक्सप्रेशन लेना है यू वेरी गुड इन गिविंग एक्सप्रेशन जब दर्शन ने मुझे फोटोग्राफ्स सिखाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये फोटोग्राफ्स मेरे हैं
सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी अच्छी भी दिख सकती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने फोटो के लिए. तो मैं वेट करी हूँ सब मेरे फोटोग्राफ्स निकले और जल्द से जल्द मैं सबको दिखाऊँ. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कलर मेरे पे बहुत अच्छा लगेगा. सो उन्होंने मुझे ये ड्रेस दी, इस कलर की ड्रेस दी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेरे मेकअप भी कराए. मैं इस गेटअप में बहुत हैप्पी, बहुत खुश हूँ. मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ. और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी थाइज अच्छी है, मेरे आर्म्स अच्छे हैं, बट थोड़ा सा फैट है मेरे टमिक में जो मुझे बहुत कम करना है. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस लुक को लेके कि पता नहीं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि कभी मैंने आज तक ऐसी ड्रेस पहनी नहीं है. सो मैं देखना चाहती हूँ कि इस पर मेरे फोटोग्राफ्स कैसे आते हैं. सो देखती हूँ कैसे आते हैं. वो हाथ वहाँ पे मतलब यहाँ पे सीधा सीधा हो जाओ. आप सीधा हो जाओ लाइक दिस. या ये पैर आगे. हाँ लुक एट द लाइट. बाल हटा नॉट एबल टू सी. आई थिंक जब हमने ये गोल्डन गाउन के बारे में सोचा था, गोल्डन ड्रेस के बारे में सोचा था, हमारा बस यही पॉइंट ऑफ व्यू था. और स्किन टोन इज लिटिल बिट डस्टी. सो डस्टी स्किन टोन के साथ में गोल्ड ब्रॉन्ज ऐसे मेटालिक कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं. और शी इज लुकिंग प्रिटी इन दैट. द ओनली प्रॉब्लम इज अगेन ऑफ हर वेट. बट आई थिंक उसके एक्सप्रेशन, उसकी मेहनत उस चीज़ को ओवर शैडो कर देगी. With the same pose, look at me, same pose, yeah. Hold it, hold it. What happened? ये ना कि जो poses है या जो expressions है ये बहुत ही ज़्यादा natural है. So I didn't face any problems while telling her to pose, okay? So that's the best part about her. मुझे ये ड्रेस इतनी ज़्यादा पसंद आई है और ये मेरे को बहुत अच्छी भी लग रही है. मुझे ये ड्रेस इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इसे उठा के अपने घर ले जाऊँ और कहीं पार्टी वार्टी में पहन के जाऊँ. और फोटोशूट अच्छा था, बहुत अच्छा था. मेरे फोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छे आए हैं. मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिले हैं कि आपके फोटोज बहुत अच्छे हैं, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है कैमरे के सामने. तो इतनी थकान के बाद इतने अच्छे कमेंट्स मिले हैं तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छे अच्छे से फील हो रहा है. मैं बस घर जा कर सोना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं करना चाहती. सेम थिंग ये थोड़ा सा ऊपर से देगा. दिस इज फ्रॉम
here now, from your shoulder level. होल्ड और थोड़ा ऊपर होल्ड सेम एक्सप्रेशन मेंटेन कर हाँ ये तुम्हारे फोटो है दिस इज नाइस सी द वे दिस इज वेरी गुड सी दिस पिक्चर राइट और एक पिक्चर टर्निंग अराउंड में बहुत अच्छा है दिस इज वेरी नाइस वेरी नाइस पिक्चर हाउ इज दिस वेरी दिस इज गुड दी पिक्चर्स आर दी बेस्ट लाइक इट्स वेरी नाइस मैं किसी को दिखाऊंगी कीप योर हेड द वे इट इज ठीक है बस आंखें थोड़ी नीचे करना ठीक ना या कब फेस हाथ पे नीचे झुको अब यहां पे आओ Yeah, nice pose. She was able to carry it very well. And over and above that, over and above carrying the clothes very well, wo jo poses de rahi thi, that was also awesome. Cool. Go change, that's it. I know, aap bhi utna hi excited hai result janne ke liye, par iske liye aapko karna hoga thoda sa intezaar hamare next episode ke liye. Till then, be stylish and be bold. Like, share, subscribe for more such informative videos.